तो दोस्तों एक बार फिर आए थोड़े वास्ते एक होर भर्ती डिटेल है कि भर्ती जी है पंजाब स्टेट कौंसल फॉर साइंस एंड टैक्नोलॉजी विखे अनाउंस करी गई है। भर्ती दोस्तों गल करी तो इन्होंने तीन तरह की पोस्टा जी है अनाउंस करी है। पहली पोस्ट है जी मैनेजर आई टी की, एक पोस्ट है 57,000 थोड़ी सैलरी होएगी। क्वालिफिकेशन सुन लो दोस्तों ध्यान, बीई बी टैक इन इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी या इलैक्ट्रॉनिक्स कम्युनीकेशन का डिप्लोमा, कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा, एम बी ए किसी मानता प्राप्त यूनिवर्सिटी तो करी है तो तुम इतने अप्लाई कर सकते हो, बट डिवीजन थोड़ी फास्ट बनी हुई। सैकेंड दोस्तों गल करिए जो है मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एम बी ए मानता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट तो फस्ट डिवीजन में अप्लाई करिए भी इतने जा सकते हो। दसवीं में थोड़ी पंजाबी होनी जरूरी है, 2 साल का एक्सपीरियंस जो थोड़े को है तो तुम मैनेजर की पोस्ट वास्ते अप्लाई कर सकते हो। सैकेंड दोस्तों पोस्ट की गल करिए जी पोस्ट है एक ग्रेजुएट इंजीनियर की है, 2 पोस्टा दोस्तों इतने अनाउंस हुई है, 57,000 पर पोस्ट सैलरी थोड़ा दी जाएगी। क्वालिफिकेशन दोस्तों गल करिए एम ई एम टेक इन सिविल इनवायरमेंट केमिकल मानता प्राप्त यूनिवर्सिटी तो तुम करिए फस्ट डिवीजन इतने अपलाई कर सकते हो, या फिर तुम बी ई बी टिक इन सिविल इनवायरमेंट केमिकल मानता प्राप्त यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट तो फस्ट डिवीजन पास करिए भी तुम अपलाई कर सकते हो। नाल दोस्तों 2 साल का एक्सपीरियंस थोड़े को होना चाहिए, 10वीं में पंजाबी होनी चाहिए है। अगे पोस्ट की दोस्तों गल करिए इतने जी है असिस्टेंट मैनेजर की एक पोस्ट अनाउंस हुई है, 37,000 सैलरी है। इस वास्ते दोस्तों जी क्वालिफिकेशन है मानता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी या संस्थान तो जिहड़ा है फस्ट डिवीजन इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा करिया है, या फिर इलैक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनीकेशन का डिप्लोमा करिया, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करिया तां तुसीं इत्थे जा सकदे हो। एक्सपीरियंस दोस्तों इत्थे भी 2 साल का मंगिया गया है, 10वीं विच पंजाबी पास होनी जरूरी है। इस तो उम्र हद की दोस्तों इतने गल करिए 37 साल जी रखी गई है, 100 रुपये दोस्तों थोड़ी फीस भी रखी गई है जी तुम डिमांड ड्राफ्ट के राही पे करनी है। इस तो अलावा दोस्तों यह जी मेल आई डी, ठीक है, ये मेल आई डी लिखी हुई है, तो तुम भी जो अपना फॉर्म सबमिट करो तो उस जरूरी तौर पर वट्सअप नंबर मेल आई डी तुम्हें सबमिट करना होगा, तो उस दे उत्ते दोस्तों थोड़ा अपने रोल नंबर या फिर ज्वाइनिंग लैटर जो कुछ भी होएगा उसकी इनफॉर्मेशन दी जाएगी, होर कितने नहीं मिलेगी। तो यह उत्ते दोस्तों थोड़ा लिखा हुआ है सेंड करने वाला एड्रेस, ठीक है, इसे एड्रेस तक तुम अपना फॉर्म जो है सबमिट करना है। सो दोस्तों ऐसी अज की इंपोर्टेंट इनफॉर्मेशन मिलेंगे नैक्सट वीडियो में, उदों तक के लिए रब राखा।